नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आज हाल बयां करते हैं नौगांव के टीबी अस्पताल का, जहां संभाग भर में फेमस नौगांव के टीबी अस्पताल में दूर दराज के क्षेत्र के मरीज आकर इलाज कराते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के उत्तर प्रदेश के जिलों के लोग भी यहां पर इलाज कराते हैं, लेकिन यहां मरीजों की हालत काफ़ी दयनीय है। बताया जा रहा है कि यहां का स्टाफ मरीजों के भोजन में भी काफ़ी कटौती कर देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी खराब बनी है। नगर के छह चिकित्सालय टीबी अस्पताल में मरीजों के हक का खाना छीन कर खा रहे डॉक्टर और कर्मचारी, मरीज दूषित खाना खाने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार बुंदेलखंड में पहचान बनाने वाला टीबी अस्पताल आज़ादी के बाद से ही नगर में संचालित है। शासन द्वारा मरीजों को अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें फ्री इलाज, दवाइयां, खाना पीना, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते शासन के अधिकारी कर्मचारी शासन की योजनाओं से मरीजों को वंचित रखकर खुद डकार रहे हैं। हाल के जो आंकड़े हैं उसमें 43 मरीज भर्ती हैं, जिन्हें नाश्ता और खाना के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। बुधवार को सुबह 8 बजे नाश्ते के नाम पर कुछ मरीजों केवल दूध, 11 बजे के समय अस्पताल में खाने के नाम पर पतली दाल चावल और आलू बैगन और टमाटर की सब्जी और 4 छोटी छोटी रोटियां दी गई, जबकि सुबह 9 से 9:30 बजे तक नाश्ते के रूप में प्रत्येक मरीज को 250 ml दूध और दलिया, दोपहर 1 से 2 बजे के लगभग हरी सब्जी, दाल रोटी, दलिया और साथ ही साथ 3 से 3:30 बजे के लगभग एक कप चाय के साथ 4 बिस्किट दिया जाना होता है। तो नाश्ते में क्या मिलता है आपको? दूध मिला, ब्लेड मिला। दूध, दलिया मिलता कभी? नहीं, दलिया आओ नहीं, हमें कभी नहीं आया। पहले आओ तो नहीं जाता, अगर नहीं आओ जब से हम आए। नाश्ते में ब्रेड मिलते हैं और दूध मिला। ब्रेड और दूध? कितना दूध मिलता है? पौवा भर। पौवा भर। खाना कितने बजे, नाश्ता कितने बजे दे देते हैं आपको ये? 8 बजे। और खाना कितने बजे देते हैं? 11:30 बजे। दूध जो का जो लाएंगा। दूध मिल गया? हाँ। अच्छा, दूध के साथ कुछ और भी मिला? हाँ, कुछ नहीं। खाली दूध दिया आपको? हाँ। ब्रेड या दलिया दिया? नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। हाँ भाई, नहीं दियो। कुछ खाना लगभग कितने बजे मिलता है आपको? वही 10-11 बजे के कई 11-12 बजे। और नाश्ते में कुछ नहीं देते? देते हैं, मतलब डबल रोट देते हैं। सुबह आज नहीं, माओ नहीं है जाने। वही मिलती लौकी है। हाँ। और है सो रोटी बस, और कुछ खाना नहीं मिलता अभी। कभी अच्छा आओ ही नहीं है, शाम के यहाँ था अकेले, शाम के आई थी लौकी और रोटी और दाल। हाँ, दाल। शाम को 4 बजे करीब चाय ब्रेड देते हैं क्या? नहीं देते। दूध दलिया मिलता कभी? नहीं, कभी नहीं मिला। हमें नहीं मिला भैया दूध दलिया। ये तो यहाँ आता है, किसी और को मिलता है क्या यहाँ पे? अभी नहीं आया, जब से मैं आई मेरे को नहीं मिला। ये आपका कहना है प्रतिदिन नियमानुसार जो भी बोर्ड में लिखा है उस लिहाज से खाना दिया जाता है? डॉक्टर चतुर्वेदी रोज चेक करते हैं, मैं भी चेक करता हूँ। मेरे पास खाना बनाने वाले हैं, मेरे पास कंटेंजेंसी का एक आदमी है, क्या जरूरत पड़ी रही है टेंडर की? काय को घुसेगा टेंडर उसमें? अरे आप तो तरह तरह के फोटो खींचते रहते हैं, उन फोटो का कोई मतलब नहीं, गलत, कोई सवाल ही नहीं जब वहाँ पे आदमी है तो। नहीं तो जब 1:30 से 2, जब 11 बजे बनाएंगे नहीं तो 1:30 से 2 बजे देंगे कैसे? एक मिनट में तो बन नहीं जाएगा खाना। बिल्कुल दिया गया है, पूछिए उनसे, पूछे अरे पेशेंट से पूछे, बनाने वालों से पूछे, बनाने देखे, वहाँ देने वालों को पूछे, क्यों नहीं दिया? अभी जब पूछते हैं, अभी बुलाते हैं खाना वाले को, बुलाते हैं। आज सवेरे में यहाँ 8 बजे बैठा रहा, यहाँ बांट रहे थे ब्रेड और दूध लड़के मेरे सामने। हाँ, और मैंने मतलब यहाँ मैं दफ्तर का काम कर रहा था, मैं अभी चले देख के बताता हूँ। नाश्ते का मीनू दूध, ब्रेड या डबल रोटी, दलिया, मतलब कुछ भी बांट सकते हैं अपन लोग इतने में से। शासन के नियमानुसार ऐसा है कि जो मीनू है दूध, दलिया, ब्रेड या दलिया, दूध तो यही है, दलिया या ब्रेड कुछ या डबल रोटी, एक ही बात है, वो कुछ भी दे दें मान लो अपन लोग अपने हिसाब से। अभी अपने पास दलिया अवेलेबल नहीं है, चूंकि अभी लेटेस्ट आदेश आए हैं, टेंडर कॉल किए तो अब दलिया बटेगा। नाश्ते का सुबह 7:30 से और 8-8:30 तक बन लू मार देते, 9:30 अभी। मीनू गलत है या गलत? नहीं, मीनू गलत नहीं है ना, हम गलत हैं। यहाँ गर्मी और समय, मतलब 8 बजे आम आदमी अपन लोग नाश्ता कर लेते हैं, तो इन लोगों को भी अपन समय सीमा में नाश्ता मार देते हैं। खाना बन के तैयार है, ये लोग तैयार होंगे 11:15 पे खाना बटेगा था। कमजोर मरीज है, टीबी पेशेंट है, तो इन लोगों को, इनके साथ में कोई रहता नहीं है, तो इन लोगों को समय सीमा में खाना दे देते हैं, और शाम को भी 6-7 बजे इन लोगों को खाना दे देते हैं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अगर किसी को भी 2 हफ्तों से अधिक खांसी हो, बलगम में खून आता हो, सांस लेने में तकलीफ हो,
लगातार बुखार हो या फिर वजन लगातार कम हो रहा हो। अगर इनमें से कोई भी तकलीफ है तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने बलगम की जांच कराएं। टीबी की जांच और इलाज पूर्णतः मुफ्त है। अक्षय परियोजना वीआई छतरपुर के सौजन्य और जिला क्षय केंद्र छतरपुर के सहयोग से प्रसारित। शिक्षा को मिशन की तरह आगे बढ़ा रहा है ड्रीमलैंड इंग्लिश स्कूल, वेयर यू कैन फाइंड ओल्ड एंड एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ फार फ्रॉम रसी एंड पॉल्यूटेड एरिया, पीसफुल एनवायरमेंट, स्पेसियस क्लासरूम्स, मॉडर्न एंड लार्ज लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, योगा एंड अदर एक्टिविटी क्लासेस। प्रवेश के लिए संपर्क करें काली देवी मंदिर तिराहा, महोवा रोड, छतरपुर, सिटी ब्रांच, राजमहल परिसर, छतरपुर।